हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? सो काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा कि अगर अगर हमें इंटरव्यू में पूछा जाए कि व्हाट शुड बी द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रायंगुलर पीच एंड स्क्वायर फॉर हीट एक्सचेंजर, तो उसे आसान भाषा में कैसे समझे, तो वो मुझे पूछ रहे थे। तो मैं सोचा चलो इसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ और आप सबको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। काफ़ी ईजी वे में आप समझ सकते हो। अगर आपने ये समझ लिया फिर आपको कुछ भी फिर आप नेक्स्ट फेज में जाइए जब कैलकुलेशन आता है, बट पहले बेसिक डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि उन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है और कौन कौन सी पिच कब यूज़ होती है या फिर कब यूज़ करनी चाहिए, ठीक है? तो चलिए मैं पहले तो एक ट्रायंगुलर पिच का मैं एक ड्रॉ करता हूँ। देखिए आप यहाँ पर, तो ये मैंने ट्यूब ड्रॉ की है। दिस इज माई सेकेंड ट्यूब, दिस इज माई थर्ड ट्यूब। अभी आप उसको सेंटर से कनेक्ट कर दीजिए। आपको दिख रहा है? या सो दिस, तो अगर ट्यूब का अरेंजमेंट इन द हीट एक्सचेंजर है शेल, अगर इस तरह के का है तो उसको ट्राइंगुलर पीच बोलते हैं। अब ये बीच में आप देख रहे हैं, उनके तीनों के बीच में जगह है, ठीक है? ये लीजिए ए वन एरिया, दिस इज एरिया आप देख लीजिए, या फिर वॉल्यूम भी आप कर सकते हैं, पी वन, वॉट एवर इट इज। ओके, नाउ लेट मी ड्रॉ दी स्क्वायर पिच फिगर। सो उसमें क्या है, नीचे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मेरा एक ट्यूब हो गया, ये दूसरा ट्यूब हो गया, तीसरा ट्यूब हो गया, चौथा ट्यूब हो गया। अब सेंटर को कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है? और ये मेरा एरिया है, ए टू पकड़ लीजिए, अब वॉल्यूम इन बिटवीन दैट, ठीक है? अभी आप मुझे देख के बताइए, ये थोड़ा सा आपको अलग दिख रहा है बट आप मुझे देख के बताइए, इसमें जो एरिया या फिर वॉल्यूम पकड़ लीजिए वो ट्रायंगुलर में ज़्यादा है या फिर स्क्वायर में ज़्यादा है? ऑफ कोर्स वो स्क्वायर में ज़्यादा है। तो आपने अभी समझ लिया कि ट्रायंगुलर पिच और स्क्वायर पिच कैसा होता है इन हीट एक्सचेंजर। ट्यूब इसी तरह से होता है। अभी जो नेक्स्ट ट्यूब जो अंदर होती है वो उस तरह से होती है, जैसे ये है, फिर ये है, अभी इसको जो शेल है वो इस तरह का होता है, ठीक है? बट फिर ये नहीं है कि भी ट्यूब ऐसा हो गई ऐसा, ये नहीं, ये स्पेसिफिक एंगल पे ही वो होता है, ठीक है? अब ट्रायंगुलर में भी अगर आप देखें तो उसमें 45, 60 ये सब आता है, बट अब मैं आपको ओनली बेसिक डिफरेंस बता रहा हूँ बिटवीन दी ट्रायंगुलर एंड स्क्वायर पिच। तो सो आपने कभी चौकोष्टिक की जो बॉटल आती है वो देखिए। नेक्स्ट टाइम आप मॉल में जाइएगा तो चौकोस्टिक की बॉटल देखिए। चौकोस्टिक की बॉटल में क्या आता है कि चौकोस्टिक्स होते हैं। अभी अभी अगर आपको पता नहीं है तो बच्चों को काफ़ी पसंद है, आप उसमें देखिए। तो अगर आप उसमें चौकोस्टिक्स देखेंगे तो वो ट्राइंगुलर पीच में होते हैं। जब आप उसके बॉटल ढक्कन खोलेंगे तो उसको ट्राइंगुलर पीच में इन 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 दैट ऑर्डर वो होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो ज़्यादा ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको चौकोस्टिक का बॉटल का एग्जाम्पल समझाया तो आप आप समझ पाएंगे, क्योंकि क्योंकि वो स्क्वायर पिच में वो अरेंज नहीं करेगा। क्योंकि अगर स्क्वायर पिच में अरेंज करेगा तो उसको बॉटल का साइज बढ़ाना पड़ेगा। आप देखिए इसमें मुझे कम ट्यूब मिल रहा है। अभी मान लो कि आपने हीट ट्रांसफर एरिया फाइंड किया और उसमें मिल रहा है कि आप 10 ट्यूब, 100 ट्यूब्स आप अरेंज कीजिए, ठीक है? स्क्वायर पिच में फिर वो जो एरिया उसका ज़्यादा होता है बिटवीन द ट्यूब्स, सो उसके लिए फिर आपका जो डायमीटर ऑफ शेल जो है वो बढ़ जाता है। इन केस ऑफ ट्राइंगुलर पिच डायमीटर ऑफ शेल कम रहता है, तो वो इकोनॉमिकल एडवांटेज है कोई भी कंपनी या फर्म के पास, ठीक है? तो ये मैंने आपको समझा दिया बिटवीन द बेसिक डिफरेंस है। अभी मैं आपको कुछ और बताता हूँ। अभी बात आती है कि कौन सा कब यूज़ करें। तो जनरली द बेसिक बेसिक चीज़ ये है कि जब आपकी क्लीन सर्विसेज है तब आप ट्राइंगुलर पिच यूज़ कीजिए। क्यों? क्योंकि उसके बीच में कम स्पेस होती है एंड इन द क्लीन सर्विसेज इट इज़ नॉट एसेंशियली रिक्वायर्ड कि भाई आप स्क्वायर पिच में जाए, ज़्यादा डिफरेंसेस में जाए, ठीक है? तो अब क्या होता है कि जो स्क्वायर पिच में ट्यूब्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा रहता है, जगह ज़्यादा रहती है, जैसे मैंने आपको समझाया, और ट्राइंगुलर पिच में कम रहता है। अब अगर ऐसा है तो क्लीन सर्विसेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ट्राइंगुलर पिच में, और अगर आपकी सर्विसेज क्लीन नहीं है, मैं क्लीन सर्विस मतलब क्या बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो कि शेल साइड में कुछ सॉल्वेंट जा रहा है, मिथेनॉल जा रहा है, और ट्यूब साइड में कुछ और जा रहा है, वाटर जा रहा है,
इट्स ओके नाउ अगर मतलब अगर मेरी सर्विसेज जो है वो क्लीन नहीं है, डर्टी सर्विस, डर्टी सर्विस मतलब क्या बोलते हैं, जैसे शहर में मेरा कूलिंग वाटर जाता है, कूलिंग वाटर जाता है तो कूलिंग वाटर में काफ़ी सारा यू नो डर्ट होता है, मैल होता है जिसको बोलते हैं, क्योंकि वो क्लीन करके नहीं भेजते हैं, आर ओ का पानी उसमें नहीं आता है, ठीक है, इट्स अ टैप वाटर जो आता है कूलिंग टावर से जो आता है, अगर ऐसा पानी है तो उसमें काफ़ी डर्ट होता है और वो धीरे 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 करके डिपोजिट होता है, डिपोजिट होता है ट्यूब के ऊपर। तो अगर तो कैसा दिखता है ये, जैसे मान लो कि ये जैसे स्पेसिफिक दिखा रहा हूँ ऐसे ट्यूब्स है, ठीक है, ऐसा ट्यूब्स है। अब इसका जो ये है साइड भी ऐसा रहेगा, ये बैफल्स है, ये मैं काफ़ी यू नो जस्ट प्रिलिमिनरी आपको बता रहा हूँ, तो ऐसा जाता है जो फ्लूड जो फ्लो होता है, ठीक है। अब इसके बीच में ना ये जब होता है ना, तो इसके बीच में अगर डर्टी सर्विसेज है तो उसके बाद में डिपोजिट हो जाता है, अगर डिपोजिट होगा तो उसको क्लीन करना काफ़ी मुश्किल काम है, उसके लिए पूरा ट्यूब बंडल निकालना पड़ता है। तो इसके लिए स्क्वायर पिच इज बेस्ट सूटेबल फॉर दी डर्टी सर्विसेज, और क्लीन सर्विसेज अगर है तो आप ट्राइंगुलर पिच में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बेसिक डिफरेंसेस बताया। अब इसके आगे ऐसे प्रेशर ड्रॉप है, हीट ट्रांसफर है, वो किस में जाता रहेगा, वो कैसे सिलेक्ट करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए।